एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ की फैकल्टी और जो स्टाफ मेंबर्स हैं बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, इवन इन द ऑपरेशन थिएटर की बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने के टाइम पे भी मेरे को काफ़ी रिलैक्स फील कराया। हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लिगामेंट की चोट स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा लग जाती है, खासकर कि जब ये लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इनको चोट लग जाती है और उसके बाद इनको दौड़ने भागने में या स्पोर्ट्स को दोबारा स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। जब ये लोग MRI करवाते हैं तो इनको पता चलता है कि ACL लिगामेंट टूट गया है, तभी कई बार लोगों को पहली बार लाइफ में पता चलता है कि ACL नाम का कोई घुटने में लिगामेंट भी होता है। इसके बाद वो रिसर्च करते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता कि अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग जगह प्राइस हैं, अलग अलग तरीके की बातें आती हैं, तो इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि समझ भी नहीं आता कि सही इलाज क्या है या परफेक्ट इलाज क्या है। जब वो लोग ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, उनको मेरा चैनल पता चलता है और वो देखते हैं कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया के हर कोने से ही लोग जा रहे हैं और ACL का इलाज करा के जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है। बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास इस इलाज के लिए आते भी हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान शर्मा। मुस्कान जी, आप क्या काम करते हो, कौन सा गेम खेलते हो आप? मैं जूडो खेलती हूँ और आज से 4-5 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी गेम में, बट आफ्टर दिस इंजरी, मतलब मेरी चोट लगने के कारण मैंने अपना स्पोर्ट्स मुझे छोड़ना पड़ गया। मैंने कई बार एक्सरे करवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिखाया, पर है ना हर बार वो एक्सरे लिख देते और इस प्रॉब्लम का मेरा पता नहीं चल पाया। आपने कभी MRI नहीं करवाई थी क्या? नहीं, हर बार मैंने बहुत मतलब आइडिया नहीं था कि MRI से ये चीज़ इंडिकेट हो सकती है, बट हर बार एक्सरे लिख देते थे। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे सर्च किया कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देन उसमें लिगामेंट करके जो चीज़ है मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी इस बार मेरी MRI करवाओ। उन्होंने MRI करवाई तो फिर पता चला कि मेरा ACL बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अंदर से। देन मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला कि और थोड़ा देख कि कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं हम। तो मैंने सर का चैनल देखा, उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो उस चीज़ से मुझे पता चला कि यहीं पे ही सर का हॉस्पिटल है। तो फिर मैं अपनी मम्मी के साथ आई यहाँ पे। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डर रहता है कि पता नहीं कितना दर्द होगा, कितनी घबराहट होगी, तो आपका यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ की फैकल्टी और जो स्टाफ मेंबर्स हैं बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, इवन इन द ऑपरेशन थिएटर की बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने के टाइम पे भी मेरे को काफ़ी रिलैक्स फील कराया कि अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो पाया। उसके आफ्टर द ऑपरेशन ऑल्सो जब भी पेन उठ रहा था, बस एक आवाज़ में ही हेल्प करने के लिए जो मेंबर्स हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत हेल्प करी, सो इट वॉज़ टू गुड। तो दोस्तों देखा आपने, काफ़ी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ऑपरेशन के नाम से ही इंसान को घबराहट चढ़ जाती है कि पता नहीं कैसे होगा, कितना दर्द होगा, ऑपरेशन और अस्पताल के नाम के से ही काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो लगता है कि घर जैसा ही माहौल है, ईजिली जो भी आपको सर्जरी है हो जाती है, आपको ज़्यादा कोई दर्द होता नहीं है, 2-3 दिन बाद आप घर चले जाते हो और उसके बाद आपको बार बार बेटा आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है जिससे हम आपको एक्सरसाइज की गाइडेंस देते रहेंगे। ये तो खैर जयपुर रहते हैं तो आ भी सकते हैं, पर अगर आप बाहर से भी आते हो तो बार बार आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर और कोई स्पोर्ट्समैन है जिनको कि नी लिगामेंट की इंजरी हुई है, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले तो वो अपने गेम से पहले ही अपने आप को अपना ध्यान रखें, और अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि गो थ्रू द चैनल, एंड इवन इफ अगर आप यहाँ पास में रहते हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करें ताकि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से क्योर हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ACL की प्रॉब्लम है या जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि आपको लचक आती है, तो आप MRI तो खुद करवा ही लीजिए, क्योंकि कई बार MRI में लेट कराने से भी अपनी जो चोट है वो बढ़ती जाती है। अगर आपने MRI करवा रखी है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे मैसेज करिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।